दोस्तों सुबह सुबह आ गया हूँ दुधवा सफारी के लिए। अभी जिप्सी लेके जा रहे हैं और जंगल देखना अपना पर्पस होता है, आपको मालूम है। टाइगर देखना दिख जाए तो दिख जाए अलग बात है। आप लोगों ने प्रेशर बना दिया, टाइगर दिखाओ टाइगर दिखाओ। लोग बोलते हैं आपके व्लॉग्स में टाइगर नहीं दिखता, ये गलत बात है। रणथंभौर वाले में मेरा टाइगर है, लेकिन ठीक बात है, जैसे आपसे सफारी में जैसे आपसे जंगल में घूमता हूँ। तो बचपन में मेरे पिताजी SDM थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, वहां पे हर हफ्ते में टाइगर देखता था। आज लोग बोल रहे हैं कि आपको टाइगर नहीं दिखता, एक ही शेर बोलूंगा, आज उतनी भी मैसर नहीं इस मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। चलिए आज देखते क्या होता है, जो भी होगा एक नया जंगल एक्सप्लोर करेंगे, साथ में राइनो वाली सफारी भी करेंगे। राइनो तो मैंने आज तक नहीं देखा ऐसे जंगल में घूमते हुए, जू में देखा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में है और यहाँ पे एनक्लोजर में, बड़े एनक्लोजर में है, लेकिन यहाँ पे भी राइनो है और आज मौका मिलेगा, देखते हैं राइनो दिखता है कि नहीं दिखता। ये अपनी जिप्सी एंटर कर रही है अभी, जो बुकिंग ऑफिस है दुधवा टाइगर रिजर्व का। अभी विंटर्स का टाइम है तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए एडवांटेज है। और वैसे दोस्तों आपने देखा है कि गाड़ियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर में होती हैं। जिस गाड़ी मैं जा रहा हूं ये व्हाइट है, इस पर इन्होंने रेडियम से डिजाइन बनवा दिया है, क्योंकि व्हाइट गाड़ी पे एलिफेंट बहुत ज्यादा अटैक करता है। ये देखिए यहाँ पे टाटा योद्धा भी मिलती है, जैसे पीलीभीत में मिलती है, और जिप्सी भी होती है। ये देखिए गाड़ी का कलर इस तरह से है। अभी मैं आ गया हूँ कैंटीन में जो दुधवा नेशनल पार्क के बाहर बनी है। तो सुबह होटल से चाय पी के तो आया नहीं, मतलब कोई उठा ही नहीं था। यहाँ भी आप देख रहे हो कैंटीन में भी सारे स्टाफ सो रहे हैं जमीन में। तो मैंने कहा भाई कॉफी पिला दो, कुछ खाने पीने का सामान पैक कर लेता हूँ, भूख लगेगी जंगल में। तो दोस्तों अपनी दुधवा सफारी स्टार्ट हो गई। ये है हमारे गाइड साहब, क्या नाम है भाई साहब? बद्दल राम राणा। हैं? बद्दल राम राणा। बद्दल राम राणा जी। और ये ड्राइवर साहब है, आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश कुमार जी। तो कितने किलोमीटर की सफारी है टोटल? ये अप एंड डाउन 40 से 45 किलोमीटर की सर। अच्छा, और जैसे मैं राइनो सफारी भी करूंगा वो कितने किलोमीटर की है? वो एक सवा घंटे की राइड होती है सर, हाथी की। जी हाँ। मतलब मैं अभी जैसे हम एंटर कर रहे हैं 7 बजे, कितने बजे निकलूंगा बाहर? अभी वापसी 10:30 बजे के करीब। 10:30 बजे करीब, ठीक है। अभी साइटिंग वगैरह हो रही कुछ टाइगर की? कल इवनिंग में हुई थी सर। अच्छा, टाइगर साइटिंग। टोटल कितने टाइगर है यहाँ पे? 35 सर। 35। और हाथी वगैरह? एलिफेंट 150 है। अच्छा अच्छा, और बाकी कोई जैसे लेपर्ड की तो गिनती नहीं होगी? लेपर्ड का मतलब पॉपुलेशन कम है, वो लगभग 15 तक। अच्छा 15 तक बस, 15। अच्छा अच्छा, टाइगर ने भगा दिए? हाँ वो टाइगर की वजह से ही होता है। ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, जो ये दुधवा नेशनल पार्क का जो जंगल है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ देख रहे हैं, ये साल के पेड़ हैं। ये साल के पेड़ के बारे में बोला जाता है कि ये अपने आप उगता है, इसका प्लांटेशन नहीं किया जा सकता। इसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा। और फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को घना बनाने के लिए जगह जगह पे प्लांटेशन करता है सागौन का, टीक यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस। इन दोनों पेड़ों के बारे में बोला जाता है, हालांकि साल के बारे में ज्यादा बोला जाता है, सागौन के बारे में बोला जाता है खड़े खड़े 100 साल, पड़े पड़े 100 साल, सड़े सड़े 100 साल, यानी 300 साल की इनकी लाइफ होती है। पहले 100 साल खड़े रहते हैं, गिर जाएंगे तो 100 साल पड़े रहते हैं, सड़ते सड़ते भी 100 साल लग जाते हैं। रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते थे इसी लकड़ी से पहले, आजकल तो उसके बनते हैं आपके कंक्रीट के, लेकिन पहले रेलवे की जो ट्रेन चलती थी तो दो पटरियों को जोड़ने के बीच में जो लकड़ी लगती थी, साल की लगती थी। यहाँ पे टोटल जो लैंड है उसका 68% तो वुडलैंड है, जैसे ये जंगल है, 22% ग्रासलैंड है और 10% वेटलैंड है जहाँ पे मिलता है राइनो। दुधवा नेशनल पार्क की खास बात है कि यहाँ राइनो भी है। राइनो यहाँ पहले से नहीं थे, काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए, और जैसे कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं,
बड़े से एनक्लोजर में डाले गए हैं, वैसे ही बड़ा सा एनक्लोजर डाल के ताकि वो सेफ रहे। और करीब 46 राइनो हैं यहाँ पे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जैसे आपको मिलते हैं, वैसे ही भले ही वो एनक्लोजर है लेकिन है तो जंगल ही, आप उसमें एलिफेंट सफारी करके जा सकते हैं। आजकल ज़्यादातर नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी बंद हो चुकी है, मैंने की है, ढिकाला में भी की है, बहुत की है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की है, लेकिन आजकल जनरली एलिफेंट सफारी नहीं होती। लेकिन अगर आप एलिफेंट सफारी इंजॉय करना चाहते हैं दुधवा आइए, यहाँ पे कर सकते हैं। और उससे एलिफेंट पर बैठ के राइनो को देखना अलग ही नज़ारा होगा, दिखता कैसा है आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये जंगल सारे जो आसाम के जंगल हैं, ये जंगल हैं, आपस में कनेक्टेड थे, कॉरिडोर थे इनमें। तो राइनो यहाँ पे दुधवा में पहले पाया जाता था, लेकिन राजा महाराजा का टाइम था और लड़ाइयाँ होती थी, तो ढाल जो राइनो की स्किन होती है उससे ढाल बनाई जाती है, तो शिकार कर करके उन्होंने मार दिए। आखिरी राइनो मारा गया 1878 में, अंग्रेज ने मारा था। जब राइनो ख़त्म हो गए उसके बाद फिर ये हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दी कि भाई राइनो वापस लाया जाए। तो 1984 में राइनो रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और काजीरंगा नेशनल पार्क से 5 राइनो लाए गए, जिसमें से 2 मेल थे, 3 फीमेल थी। लेकिन रास्ते में लाने में बीमार हो गई तो 2 फीमेल मर गई। अब नेपाल का जो चितवन नेशनल पार्क है, उनको हाथी की ज़रूरत थी सफारी कराने के लिए, तो 16 हाथी देके बदले में 4 फीमेल वहाँ से मंगाई गई। तो टोटल पहले 5 आए थे, 2 मर गई, बचे 3 और 4 और जोड़ दिए, 7 राइनो को लेके ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आज 46 राइनो हैं, यहीं पे पैदा हुए और आगे फल फूल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, 14 साल का टस्कर है और इसके दांत देखिए। ये वही उम्र होती है जब हाथियों को झुंड से बाहर करते हैं। 14, 15, 16 साल में जो झुंड होता है हर्ड, वो अपने मेल टस्कर को बाहर कर देते हैं। तो क्योंकि ये पालतू है इसलिए अगर ये हर्ड में होता तो ये इसकी उम्र आ गई थी, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी है हम दोस्तों सलूकापुर वन चौकी, दक्षिण सोनारीपुर रेंज। ये वो जगह है जो कि राइनो री इंट्रोडक्शन एरिया है, यहाँ चौकी है, चाय वगैरह की दुकान भी है। तो दोस्तों ये जो जगह है, मैंने बताया कि सलूकापुर वन चौकी है, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क के अंदर है। यहाँ पे आप एलिफेंट सफारी कर सकते हो, हाथी आता है 1600 रुपये का। अब जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ तो 1600, अगर उसमें 2 लोग बैठ जाते हैं, मैक्सिमम 4 लोग अलाउड होते हैं। तो अगर आप दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बार बार जाते हो, जाहिर सी बात अच्छी जगह जाना चाहिए, कभी आप मौका निकाल के दुधवा नेशनल पार्क आओ। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको सफारी भी मिलेगी जिप्सी की, लेकिन जो आपको एलिफेंट सफारी का मौका मिलेगा जो कि आजकल कहीं नहीं मिल रहा, और दूसरी बात राइनो देखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक सवाल है जंगल का, बहुत ज़्यादा सुंदर जंगल है दुधवा का। तो जब आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो केवल एक नेशनल पार्क मत जाओ, कई सारे एक्सप्लोर करो, अलग अलग जगह आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दुधवा ज़रूर आओ। ये आ गया हमारा एलिफेंट माउंट, और एक ही होगा ना एलिफेंट माउंट यहाँ पे? एक बड़ा, अच्छा एक बड़ा है, उससे भी चढ़ सकते, वो तो मचान है, वो मचान है सर, वो बड़ा। हाँ, उससे हाथी भी नहीं बैठ सकते ना। अगत सर आप पैर ऊपर उठा लेंगे। अगत संभल, फिर बरोबर फिर शाम। इसको क्या बोला आपने? भुरभुर? नहीं सर, संभिड़। शंभू? नहीं, संभिड़। संभिड़ मतलब? मतलब भिड़, बरोबर भिड़ जा सर। अच्छा भिड़ जा, अच्छा अच्छा, मतलब हिंदी से रिलेटेड ही है जी, ये कौन सी भाषा समझते हैं सर? संभिड़। संभिड़ मतलब हिंदी भाषा है जी, हिंदी भाषा है। ज्यादातर ना दले ऊपर ये सब हिंदी भाषा है ना। तो मतलब जैसे केरला में होंगे तो मलयाली, जहाँ जिस एरिया आसाम में होंगे अलग अलग है। हाँ, आसमी है ना जी, अलग अलग। हाँ, क्वालिटी, जैसे कहीं जैसे यहाँ अलग है वहाँ अलग है। हाँ, जैसे अपनी अपनी भाषा, जैसे अपनी भाषा, मतलब जिस एरिया में हाथी है ज्यादातर वहीं की भाषा चलती है जी, वही भाषा चलती है सर। ठीक है, ये है गजराज हाथी जिस पे हमने सफारी करी, कितने बड़े दांत है इसके, और साइज भी फुल साइज का एलिफेंट। ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स का गेस्ट हाउस है, इसमें टूरिस्ट नहीं रुक सकते, चौकी के अंदर ही बना हुआ है, एलिफेंट माउंट के ठीक सामने।
दुर्गा हाँ वो 5 साल की हो चुकी है, हाँ उन्होंने देख रेख किया, वो अच्छा, बड़ी, तो उसका सेहत बहुत बढ़िया है। ये गौरी है, 2 महीने की है, और किसकी बच्ची है? ये जंगली हाथी है, जंगली हाथी है, तो रेस्क्यू करके लाए? जी ग्रुप से बिछड़ गया था ये। अच्छा, तो अब ये मतलब यहीं पे ड्यूटी में लग जाएगा बाद में? हाँ, हाँ यहीं पर ट्रेन करेंगे इसको, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के काम तो बिछड़ कैसे गया ये? अब जंगल में कैसे बिछड़ गया, गया हुआ जंगली जंगल हाथी तो बड़े प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है। करते हैं, किसी वजह से छुट्टी जाती मान लो हमें तो हाँ आदमी का भी बच्चा कभी कभी छूट जाता है। हाँ जैसे आदमी छूट जाते वैसे ही नहीं बिछड़ गया, तो वो ढूंढने नहीं आते इसको? हाँ, ढूंढ रहे होंगे लेकिन ग्रुप से मिलाने की कोशिश की गई, ग्रुप बाहरी ढूंढने लिए कौन हैं। ये बहरी है? नहीं बाहर से, अच्छा बाहरी है, ये बिजनौर में पिछली थी। अच्छा बिजनौर, अच्छा वहां से लाई गई है। अभी क्या खाती होगी? केवल अभी ये दूध पीती है, दूध? किसका? 5 लीटर गाय का पीती है, 2 डिब्बे लगते जीन का पीती है। अच्छा, और कुछ नहीं? नहीं अभी और कुछ नहीं। ये इसको लेटने के लिए बनाया गया है? हाँ ये लेटने के लिए बनाया गया है। तो बाहर खुले में छोड़ते हैं आप लोग इसको? हाँ हम छोड़ते हैं, जब टूरिस्ट नहीं रहते हैं तब छोड़ते हैं। तो अभी धक्का वक्का मार देती है? नहीं मारती? मारती मारती है। हाँ चलती भी है। तो अभी आप लोग की कमांड समझती है? नहीं कुछ भी नहीं समझती? अभी नहीं, अभी तो वो बच्चा है, हाँ कुछ भी नहीं। आदमी का बच्चा 2 महीने में नहीं हाँ समझता है तो वो कहाँ से समझेगी। हाँ 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 बस ये है कि भूखी होती है तब आती है पास में हाँ कि दूध पिलाओ हमें, तो अच्छा हम लोग समझ जाते हैं भूखी भूखी हो हाँ गई है। हाँ हाँ तो आप यहीं सोते हो? हाँ हम भी यही सोचते हैं। यार ये अब है, ये देखिए दोस्तों, 2 महीने का बच्चा। अच्छा, ठंड से बचाने के लिए आपने ये लगाया हुआ है? हाँ ठंड से बचाने के लिए। अभी तो अपनी सूंड भी कंट्रोल में नहीं होगी इसकी? अभी नहीं, अभी बच्चा है ना, हाँ, ये कम से कम 4-5 महीने की होगी तब जा करके। तो पानी कैसे पीती है? पानी अभी नहीं पीती है, नहीं अभी पीती? हल्के दूध से ही काम से चलता है? दूध से ही काम चलता है। मतलब इस फिलहाल सूंड का काम सिर्फ सांस लेने का जी है ना, और कुछ नहीं? कुछ जी पकड़ भी नहीं पाती? नहीं बस इसे हल्की फुल्की चीजें उठा लेती है, हिलाती है फिर छोड़ हाँ, देती है। इसको टच कर सकता हूँ कैसे? वहां तो पकड़ना इस तरफ से आइए, ये देखिए दोस्तों, गौरी है, हाथी का जो बच्चा होता है इसकी सूंड इसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती शुरू में। और आप कई वीडियो देखते होंगे कि ये तो बहुत छोटी है, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा, देखिए जम्हाई ले रही थी, जो सबसे ज्यादा हूल देता है ना वो हाथी का बच्चा देता है। अगर आप हर्ड में देखोगे और आपकी गाड़ी आ गई तो सबसे पहले चार्ज करने आएगा, ऐसे ऐसे सूंड झटकेगा फिर चला जाएगा। जब ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने की हो जाएगी तब तो सूंड को हिलाएगी करेगी, फिर जब देखती है कि आगे आ गए मेरा झुंड पीछे रह गया तो उसके बाद फिर वापस लौट जाती है। बार बार जमाई ले रही है। अच्छा, मुझे धक्का देकर गिरा सकती है? गिरा देगी बैठ के देख लीजिए। इस पे गिरा देगी? अरे नहीं यार। अच्छा, इसका वजन कितना होगा अभी? 79 किलो। 79 किलो? अरे बाबा, अच्छा, कान वान भी चिपका के रखे हैं इसने? ये तो अभी बच्चा है, जब थोड़ी तो देर ऐसे में हवा भी नहीं करता है? नहीं अभी से पूंछ चला के हल्का फुल्का काम चलाती है। जब ये 6 महीने की हो जाएगी तब ये कान वान बढ़िया से चलाना शुरू करेगी। अच्छा, जैसे आप ट्रेन कर रहे हो तो फिर आप ही का बात मानेगी फिर ये? नहीं हाँ, जब ट्रेन हो जाएगी तो जो भी वहाँ होता है वो उसका अच्छा, करना मतलब आपका काम ट्रेन करना है, जी। मतलब आपका फिर वो काम खत्म हो जाएगा इस वाले से? हाँ जब तक ये सरकार के ऊपर है, अधिकारियों के ऊपर है, मतलब जब फिर तक हम मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ड्यूटी प्रोग्राम लगा दी जाएगी इसको? जी ऐसे इसको ड्यूटी पे कब लगाएंगे? ये जब जवान हो जाएगी कितने, करीब 15-16 साल? 18 साल 19 साल। अच्छा, तब तक ऐसे रहेगी? और ये चारा वारा कब खाना शुरू करेगी? चारा वारा तो अभी आप 2 महीने बाद शुरू कर देगी, 2 महीने बाद शुरू करेगी? अच्छा, हल्का फुल्का चारा जो है वो खाने लगेगी। गिरा के ही मानोगी? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगी।
धक्का मार रही है। अच्छा हाथी है, अभी हाथी और आ रहे हैं, हाथियों के साथ में जाने की कोशिश करती है। अच्छा, और वो हाथी इसको प्यार से रखते हैं कि उसको गुस्सा होते हैं? नहीं, एक हथनी है दुर्गा जो है वो भी रेस्क्यू की गई थी। हाँ, उसके साथ रहती है। अच्छा, वो भी इतनी छोटी थी। अच्छा अच्छा, वही वो उसी जगह से। अच्छा अच्छा, वो भी ऐसे ही वहीं से, बिजनौर साइड से। अच्छा, इसीलिए इनका नाम दुर्गा। हाँ, बड़ी जो है 5 साल की। हाँ, वो दुर्गा है। हाँ, ये है गौरी। अच्छा, माता रानी के नाम पे है। अच्छा, गजराज यही है जिसमें गया था ना सबके? देखिए, गजराज है सबके रूप कली, दुर्गा, भास्कर, सुलोचना, चमेली, पवन कली, सहेली। पवन कली सहेली क्यों नाम रखा? सुहेली, मतलब सुहेली यहाँ पे रिवर है ना। हाँ, उसके नाम से सुहेली। हाँ, पवन कली का तो नाम पता नहीं किस तरह। काबिनी विनायक सबका इलाका है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं डंडा लेके? पेट्रोलिंग पे। गन कोई नहीं साथ में? गनर कोई नहीं। दोस्तों, जो ये अंदर चौकी बनी है ना, वहाँ पे ये कैंटीन भी है। पकोड़े वगैरह मिल जाएंगे, मैगी मिल जाएगी आपको, चाय मिल जाएगी। जब मैं गया तो धूप थी। अच्छा, मुझे राइनो दिख गया, और देखिए कितना फॉग आ गया। ये दोस्तों स्पॉटेड डियर हैं, अब ये सारी फीमेल हैं, इनमें मेल एक भी नहीं है। मेल अंदर है क्या? अच्छा, ठीक है, चलो। ये रेड जंगल फाउल है, बड़ा एक कलरफुल मुर्गा होता है ये। खलीज फीजेंट भी, या खलीज फीजेंट होता है? नहीं होता। देखिए कितना कलरफुल है मुर्गा, ये देखिए। ठीक है, ये दोस्तों एलिफेंट ग्रास है। फरवरी के आसपास इसमें आग लगा दी जाएगी, और जब ऐसा इसलिए करते हैं कि नए घास पनपे और उसको डियर बड़े शौक से खाते हैं। ये दोस्तों देखिए क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है नदी के किनारे। नदी है। अब वो उतर के जा रहा है, देखिए उतर के नदी में उतरने जा रहा है। ये देखिए चला गया, उसने देखा जिप्सी आई है, चला गया। दोस्तों आगे एक जगह आने वाली है जहाँ पे 2 कब्स के पगमार्क मिल रहे हैं, वो अभी साइट नहीं हुए। टाइग्रेस साइट हो रही है, पगमार्क है, इसका मतलब कब्स भी है। और जहां से हम लोग अभी गुजर रहे हैं दोस्तों, ये स्लॉथ बेयर का इलाका है, यहाँ अक्सर साइट होता है। ये जो बाइक पे निकल गए, ये फॉरेस्ट गार्ड और वॉचर हैं, फॉरेस्ट वॉचर, जंगल के प्रहरी हैं, निगाह रखते हैं क्या चल रहा है जंगल में, कहीं कोई खतरा है, कहीं कोई पोचर की निशानी, लकड़ी काटने वाले कहीं कुछ है, उन पर निगाह रखते हैं। ये दोस्तों जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसका नाम है असना। बोटनिकल नेम टर्मिनेलिया अलाटा। बोटनिकल नेम है टर्मिनेलिया अलाटा। इसको क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल ट्री? हाँ, क्रोकोडाइल बार्क ट्री। क्रोकोडाइल बार्क ट्री बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खाल है आप देखिए, एकदम मगरमच्छ की खाल के जैसे दिख रही है। ये है, काफी ऊंचा पेड़ होता है, मोटाई। हाँ दोस्तों, ये ठूंठ है ना जो पेड़ के, इस पे किंगफिशर बैठता है, जैसे उसको नदी में मछली नजर आती है वो एकदम से डाइव मारता है, और डाइव मार के मछली को पकड़ लेता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जापान में जब बुलेट ट्रेन चली,
तो जब वो टनल में घुसती थी, टनल से बाहर निकलती थी, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, उसकी जो एयर प्रेशर आता था उसकी वजह से। वो क्या बैठा है, वो मोर है? ना ना, किधर में है? वो पेड़ के ठूट पे बैठा है। नहीं वो मोर नहीं, वो हॉक वो है, डॉक्टर स्नेक बर्ड। इतनी बड़ी? जी हाँ। अरे बाप, वो लेफ्ट साइड में सर। अरे वो दो जो वी शेप में एक वो है, हाँ 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 वही तो, नदी के बीचों बीच। जी 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 वो इतनी बड़ी स्नेक बर्ड? जी अच्छा। इसकी जब 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 ये तैरती है तो हाँ, गर्दन इसकी सांप की तरह, कोबरा की तरह दिखती है। अच्छा। तो दोस्तों, जब जापान की बुलेट ट्रेन निकलती थी टनल के बाहर, तो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर से जो साउंड आती थी, उससे आसपास रहने वाले परेशान हो गए। यहाँ तक ये नौबत भी आ गई कि बुलेट ट्रेन बंद करने की नौबत आ गई। जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनको किंग फिशर को देख के ये बात मालूम चली कि जो किंग फिशर की चोंच होती है आगे को, जो जड़ में बहुत मोटी होती है, एकदम सकरी होती जाती है, उसको देख के इन्होंने आइडिया लगाया। क्योंकि जब यह डाइव मारता है, पानी में घुसता है, तो जापान की बुलेट ट्रेन की जो चोंच है लंबी बनाई गई और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब वो टनल से निकलनी शुरू हुई तो आवाज़ आनी बंद हो गई। अभी हमारे इंडिया में भी मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, उसकी भी जो चोंच है, जो उसका स्नाउट है, माउथ है, 15 मीटर लंबा बनाया गया है। वो सब कुछ इंस्पायर्ड है किंग फिशर से। तो आज जो हमारे साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं, जो साइंस भगवान ने बना रखी है, एक एक जानवर को दी है, उसके मुताबिक अभी हम जंगल में बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से किंग फिशर दिखा तो मुझे याद आया। और वो सामने स्नेक बर्ड बैठी है। मैंने स्नेक बर्ड बहुत देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी होती, क्योंकि मैंने जब भी देखी है तैरते हुए देखी है, तो तैरते वक्त केवल उसकी गर्दन दिखती है और ऐसा लगता है कि कोई कोबरा अपना फन निकाल के जा रहा है। लेकिन ये तो अच्छी खासी बड़ी है, मुझे तो यहाँ से पिकॉक के साइज़ की, गाइड साहब बता रहे हैं इसको पनडुब्बी भी बोलते हैं। तो मैंने जब जब देखा, तैरते हुए देखा है, पहली बार आज मैं बाहर देख रहा हूँ। अच्छा, जो नदी है, नदी का फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है, पानी बहुत धीमा नहीं है, बहुत तेज़ बह रहा है। और जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि वो बुलेट ट्रेन से आवाज़ आती थी, एक एरोप्लेन था कॉन्कॉर्ड, फ्रांस में था मेरे ख्याल से, उसको भी इसीलिए बंद करना पड़ा था कि उसकी गड़गड़ाहट से लोगों के कांच टूट जाते थे, एयरपोर्ट से किलोमीटरों दूर तक लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। तो फाइनली उस हवाई जहाज को बंद करना पड़ गया। इसी तरीके से बुलेट ट्रेन को बंद करने की नौबत आ गई थी और उस बुलेट ट्रेन को बचाया था किंग फिशर ने। पगमार्क कहाँ है? अच्छा, ये दिख रहा है ना, क्लियर आप देख पा रहे हैं ये वाला? हाँ ये है दोस्तों, जहाँ ये सीढ़ी है, सीढ़ी के ठीक नीचे देखिए, ये टाइगर का पगमार्क है। लेकिन ये पुराना है ना? पुराना नहीं सर, क्लियर के बाद का है। कब का है ये? सुबह अर्ली मॉर्निंग, आज सुबह का ही है। ये दोस्तों भालू की गुफा है, पहले से मैं रहता था, अब इसे खाली कर गया है। अच्छा, जब से रास्ता बना तब से वो सामने रेड जंगल फाउल है। तो पहले रहता था, लेकिन जब ये सफारी का रास्ता बन गया तो उसने कहा थोड़ा डीप फॉरेस्ट में चलो। दोस्तों ये जो कुआं देख रहे हैं आप, जो लकड़ी से कवर किया है, अंग्रेजों का टाइम का है। ऐसे 69 कुएं हैं यहाँ पे, और ये अंग्रेजों ने इसलिए बनाए थे कि जब जंगल में ये जो साल के पेड़ आप देख रहे हो, इसको वो कटवाते थे, क्योंकि रेलवे के स्लीपर्स बिछाने थे, पूरे इंडिया में बिछाने होते थे, और जंगल तो लिमिटेड ही हैं साल वाले, तो यहाँ कटाई होती थी तो पानी की व्यवस्था हो जाए। और पूरे जंगल में 22 गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस बनाए थे उन्होंने, जिसमें अंग्रेज अधिकारी आके रुकते भी थे, उनकी शिकारगाह भी थी। आपने सुना है बहुत सारे टाइगर ख़त्म कर दिए थे अंग्रेजों ने जंगल के अंदर, ना सिर्फ रेस्ट हाउस बनाए थे, पानी की व्यवस्था भी की थी कि जो लेबरर्स काम करते थे, जंगल की कटाई करते थे, उनको पानी मिले। ये मचान तो अभी बना है फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए है, एक फॉरेस्ट गार्ड कि यहाँ जंगल में बैठ के वॉच करें एक बार। और ये जगह जो दिख रही है, यहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं। एक तो वो चौराहा दिख रहा है, और एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक से हम अभी आए, एक इधर जा रहा है, और ये सर्कल तो गाड़ियों का बना है इस पेड़ के चारों तरफ। लोग मचान पे जाके फोटोग्राफी करते, टूरिस्ट भी जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। ये दोस्तों एक जंगल के अंदर चौराहे पे आ गए हम। आप देखिए ये रोड है, इसको रिंग रोड बोलते हैं, और ये जो लाल रंग की दिख रही है ये मेन रोड है,
और इस तरफ इस रोड से हम आए जो कि सलूकापुर जहाँ से हमने एलिफेंट सफारी की थी उसके राइट हैंड साइड में भी एक रोड जा रही है जो कि राइनो एरिया तक जाती है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो रोड जा रही है वो जो मचान के पीछे से वो फायर कंट्रोल लाइन जो फायर लाइन बोलते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि अंग्रेजों के टाइम से उन्होंने फायर लाइन बना दी थी। फायर लाइन जैसे ये रोड है ये भी फायर लाइन का काम करती है कि जब आग जंगल की आग यहाँ से आएगी तो बीच में उसको कुछ जलने का साधन नहीं मिलेगा तो आग वहीं अपने आप रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो रोड है लेकिन फायर लाइन भी ऐसी बनी होती है जिसको कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साफ करता है और ये रोड वही आ गई। ये जो दीमक की बांपी देख रहे हैं इसको टर्माइट हिल बोलते हैं और ये मैं जब जब सफारी वीडियो हर जगह होता है दिखाता हूँ लेकिन फिर भी मैं हो सकता है कई लोगों ने पुराने वीडियो ना देखे हों तो ये टर्माइट हिल होता है, इसमें दीमक रहती है, इसको दीमक की बांबी बोलते हैं। जितनी ये ऊपर है इससे ज़्यादा नीचे है अंदर अंडरग्राउंड और उसमें दीमक रूम्स की तरह बना के रखती है। पूरी एक बस्ती होती है दीमक की, कॉलोनी होती है और लाइन से आप देख रहे हो पूरे में है। इसी में जब दीमक खाली कर देती है तो सांप अपना घर बना लेता है और इसको सांप की बांबी बोलने लगते हैं। भालू जब इसको देखता है आके इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद में जो इसके छेद हैं जैसे मैंने बताया कि अंडरग्राउंड बहुत सारी जगह है, उसका जो स्लॉथ बेयर होता है उसका स्नाउट होता है ऊपर का जो लिप होता है बड़ा होता है, वो वैक्यूम की तरह से उस पर फिक्स करता है, सांस खींचता है और अंदर की दीमक निकल के बाहर आ जाती है। उसके बावजूद वो यही नहीं रुकता, वो डंडी हाथ में उठाता है, डंडी डालता है इसके अंदर और जब उसको निकालता है दीमक उसमें चिपक जाती है और उसको सक कर लेता है। जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था कुछ लेबरर्स रह रहे थे कि भालू पत्थर फेंकता है, सारे लोग मानते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं 4-5% जो कि मजाक बनाते हैं कि भालू कैसे पत्थर फेंक सकता है। भालू, हाथी ये सब पत्थर फेंक सकते हैं, बंदर। अभी लखपत सिंह रावत जी ने एक जगह बोला कि लेपर्ड भी पत्थर फेंकता है, जब हंटर जाते हैं तो ऊपर होता है तो पत्थर गिरा देता है, इस तरह की चीजें करता है। जबकि लेपर्ड के हाथ में वैसी ग्रिप नहीं होती कि वो पकड़ सके लेकिन वो गिरा देता है। भालू तो उस तरीके से पकड़ सकता है जिस तरीके से बंदर पकड़ सकता है, वो पत्थर उठा के फेंक सकता है। हाथी अपनी सूंड से पत्थर फेंकता है, ऑलमोस्ट निशाना सही जाता है, मतलब अगर जहां पत्थर फेंकेगा 5-6 फीट के दायरे में ही पत्थर जाएगा और बहुत तेजी के साथ जाएगा, अगर आदमी को लगेगा आदमी गिर जाएगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है जो कि जा रहे हैं गश्त लगाने, वॉच करने के लिए। और ये देखिए आप 360 डिग्री व्यू, जंगल की शांति, जिसको कि मैं भंग कर रहा हूँ जोर जोर से बोल के, लेकिन अगर मैं जोर से नहीं बोलूँगा तो फिर ये बात आप लोगों तक कैसे पहुँचेगी। अब देखिए दोस्तों, ये आप कल्पना कर सकते हैं जो पेड़ मैं दिखा रहा हूँ, ये आम का पेड़ है, इतना ऊंचा, साल के पेड़ को मात कर रहा है, ऐसा आम का पेड़ तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये देखिए इसमें दीमक लगी है, ये साल का पेड़ है, ये साल का पेड़ है और ये पेड़ आम का पेड़ है। इसको कहते हैं संगति ही असर आए संगति ही असर जाए, साल के पेड़ की संगति में है तो ये आम का पेड़ भी इतना ऊंचा हो गया, कभी नहीं देखा, और ऐसा सीधा जा रहा है। जनरली आम के पेड़ में ऐसे चढ़ते ही ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो आज कई सारी चीजें मुझे देखने को मिल रही है दुधवा में जो मैंने कभी पहले नहीं देखी। ये दोस्तों जो आप पेड़ देख रहे हैं पीले पीले पत्ते, ये जंगली हल्दी के पत्ते हैं, इसके नीचे भी हल्दी होती है, नॉर्मल हल्दी। और इसमें फर्क क्या है कि नॉर्मल हल्दी पीले रंग की होती है, ये हल्दी पीले रंग की नहीं होती, उस कलर की होती है जैसे कि अदरक होती है। अगर आप अदरक में मिक्स कर दोगे इसको तो शायद पहचान नहीं पाओगे जब तक आप तोड़ोगे नहीं या सूंघोगे नहीं। जंगली सुअर इसे खोद के खा जाते हैं, इंसान तो खोद सकते नहीं, हालांकि इसकी वैल्यू जड़ी बूटी वाली होती है। जंगल में जितनी चीज़ें होती है दोस्तों, अगर वो जहरीली नहीं है तो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखती है, लेकिन क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से ना तो आप एक पत्ता ले जा सकते हो ना ही आप लगा सकते हो। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाहर बाहर प्लांटेशन करे वो अलग बात है, एक भी आप पौधा रोप नहीं सकते, एक भी पौधा आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये जंगली हल्दी खाई जाए अगर अच्छा, ये देखिए ग्रेट हॉर्न मिले थे, ये ग्रेट हॉर्न मिल गया, ग्रेट हॉर्नबिल दोस्तों अभी अभी उड़ के गया है, कैमरे में आया कि नहीं आया, बहुत बड़ा था, यहीं पे था, बैठा होगा, यहीं बैठा है, इसी पेड़ पे गई है, कहाँ, हाँ हाँ ये दिख गया, दिख गया, दिख गया।
ये बैठा हुआ है, ग्रेट हॉर्न बिल है ये, बहुत बड़े साइज का होता है और जब ये उड़ता है इसके पंखों से फड़फड़ाहट की आवाज आती है। डैने हो, इसको पंख नहीं बोलते, डैने बोलेंगे, डैने। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये ट्रेन निकलती है छोटी लाइन मैलानी से बहराइच। कितनी ट्रेन जाती है इसमें? दिन में चार ट्रेन निकलती है यहाँ से। ये बिल्कुल गेट के नजदीक है, वो सामने गेट नजर आ रहा है। जैसे आप एंटर करोगे दुधवा में तो ये छोटी लाइन आएगी। दोस्तों अभी हमने दुधवा की सफारी करी, बड़ा ही सुंदर जंगल है, बड़ी ही देखने लायक चीजें हैं, कुछ यूनिक चीजें हैं जैसे कि राइनो, एलिफेंट सफारी, और जो जंगल है, जंगल की ब्यूटी है, बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजों के जमाने की हैं वो देखने को मिली। ग्रेट हॉर्नबिल मिला, राइनो देखने के लिए मिले, बाकी स्पॉटेड डियर और इस तरह के जानवर जो देखने को मिलते हैं वही देखने को मिले। तो दोस्तों बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा सजेशन है कि आप भी एक बार ट्राई करिए दुधवा आने का, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।